हेलो एंड वेलकम टू कॉन्ट स्टडी दिस इज़ शेखर जी आज हम जनरल साइंस का लेक्चर थ्री कवर करेंगे फ्रॉम द सिलेबस ऑफ जे के एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अगर आपने अभी तक कॉन् स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज का हमारा टॉपिक है करंट एंड वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, जो मेरा पिछला लेक्चर था दैट वॉज़ अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे ये उन क्वेश्चन के आंसर है अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इस लेक्चर के बाद प्लीज़ आप वो लेक्चर भी अटेंड कीजिएगा और उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले देखते हैं चार्ज चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी कहते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल क्यू व्हाट इज चार्ज चार्ज जो होता है चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जब मैं कहती हूँ कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है व्हाट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बिना कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फॉर एग्जाम्पल मास हमारे पास मास है ओके मास इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी सो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता चाहे वो कितना भी बड़ा हो उसका मास होगा सब छोटे से छोटा दैट इज सबसे जो हमारे पास छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है दैट इज़ एटम उसका भी मास होता है एटमिक मास सो so, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हो सकता ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती जिसका मास ना हो और अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसका मास ना हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है फाइन so that is the fundamental property so charge is also a fundamental property so कहने का मतलब ये है कि बिना charge के कोई भी object exist नहीं करेगा आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम what वी हैव हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और थ्री सब atomic पार्टिकल्स होते हैं राइट right? न्यूक्लियस होता है और उसके बाद हमारे पास थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं राइट right? वो थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करता है प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज राइट सो चार्ज क्या है चार्ज इज़ एन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी मैटर फाइन सो चार्ज हमारे पास दो टाइप का होता है ओके चार्ज कोर्ड भी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज अब हम पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे और नेगेटिव चार्ज कब कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होंगे दैट मींस प्रोटोन ज़्यादा होंगे तो हम कहते हैं कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वो पॉजिटिवली चार्ज है जब किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो एटम नेगेटिवली चार्ज बन जाता है देखो होता क्या है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए उसकी वजह से क्या हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज कम हो गया सो so, दैट एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और जब भी कोई एटम पॉज सॉरी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ओके इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो क्या हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो एटम नेगेटिवली चार्ज है फाइन सो चार्ज इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी सो यहाँ पे लिखा है चार्ज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट ऑफ मैटर दैट एक्सप्रेसिज द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ मोर और फेवर इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स इफ़ वी आर

इलेक्ट्रिक करंट सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ओके जब भी किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्जेस है वो फ्लो करेंगे बहेंगे वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग जब भी किसी ऑब्जेक्ट में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है सो करंट इज़ नथिंग इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ओके हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं कंडक्टर्स में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर पाते हैं इंसुलेटर्स में फ्लो नहीं कर पाते उसका अलग रीज़न होता है हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को देख रहे हैं सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ओके किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है सो so, अगर हम देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगी चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट सो मैथमेटिकली वी हैव आई इज़ इक्वल इन टू क्यू दैट इज़ चार्ज बाई टी सो हमारे पास क्यू का जो यूनिट है दैट इज़ कूलम टाइम का है सेकेंड दैट इज़ कूलम पर सेकेंड जिसको हम एम्पियर कहते हैं वॉट इज़ एम्पियर एम्पियर इस कूलम पर सेकेंड राइट सिम्बल इसका आई है और हम एक इक्वेसन है हमारे पास हम उसको मेजर कर सकते हैं क्यू बाई टी या तो हमारे पास फ्रॉम ओम्स ला बहुत ही फेमस ला है वहाँ से भी हम कर सकते हैं करेंट इज इक्वेल एंड टू वी बाई आर वाट इज़ वी वी इज़ द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एंड वॉट इज़ आर आर इज़ द रेजिस्टेंस ये दोनों वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ रहे हैं सो so फाइन आपको करंट समझ आ गया होगा अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं आपने सुना होगा ए सी करंट एंड डी सी करंट सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओके हमने इन दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया किस बेसिस पर बेसिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये चार्ज है ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इस बेसिस पर हम करंट के दो टाइप्स पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट में जो चार्जेस है वो एक ही डायरेक्शन में यानी यूनी डायरेक्शनल होता है एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है जबकि ए सी में वो दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करता है ओके okay? वो इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएटिंग करंट कहते हैं क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में कभी वो इस डायरेक्शन में होंगे एंड कभी इस डायरेक्शन में होंगे दैट इज़ एसी करंट ओके इज़ दैट क्लियर आगे चलते हैं सेकेंड वी हैव रेजिस्टेंस देखो अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है हमने पढ़ा करंट क्या होती है फ्लो ऑफ चार्ज फिर आता है एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस उसको हम ओमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास आया था फ्रॉम ओम्स लॉ ओके okay? बहुत ही फेमस लॉ था टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ ओम्स लॉ में मतलब क्या होता था वी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट भी बढ़ेगी आप वोल्टेज घटाओ करंट भी घटाएगी ओके दिस बोल्थ द फेमस ग्राफ जो हम पढ़ते हैं अगर हम करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ती है अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ती है ओके सो रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस में आपको बाद में इक्वेशन से भी समझाऊँगी पहले रजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन ओके जब करंट किसी चीज़ में फ्लो करती है तो वो कुछ एक्सपीरियंस करती है कुछ अपोजिशन कुछ रुकावटें उसको एक्सपीरियंस होती है उन रुकावटों को ही रेजिस्टेंस कहते हैं अगर हम उन रुकावटों को उस अपोजिशन को मेजर करें दैट इज़ द रेजिस्टेंस देखो इसी बेसिस पर कंडक्टर्स होते हैं इंसुलेटर्स कंडक्टर्स जो होते हैं ना वो करंट को फ़्लो होने देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज को अपने में से फ्लो होने देते हैं मतलब वो उतनी रेजिस्टेंस उसको ऑफ़र नहीं करते उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है जिस वजह से जो करंट है वो फ्लो हो पाती है जबकि इंसुलेटर जो होता है वो करंट को बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है ठीक है उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर ही नहीं पाती है तो इसलिए हम उनको इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं फाइन सो रेजिस्टेंस है क्या रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं ओम्स ला ओम्स ने कहा था ओम ने कहा था सॉरी वी इज़ डायरेक्टली प्रपोशनल टू आई और जब भी हम प्रपोशनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं वी गेट सम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोशनैलिटी सो यहाँ पे दैट वॉज आर रेजिस्टेंस वी इज इक्वलन टू आर आई सो आर विल भी इक्वलन टू रेजिस्टेंस विल भी इक्वलन टू वोल्टेज बाय करेंट राइट और जो यूनिट है रेजिस्टेंस का दैट इज वोल्ट पर एम्पियर या जिसको हम ओम कहते हैं इसको इस लेटर से डिनोट uh, करते हैं इसको ओम कहते हैं इसका मतलब होता है वोल्ट पर एम्पेयर ओके एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ओके सो अगर बात करें वन ओम की वन ओम होता है जब वन वोल्ट में वन एम्पेयर करंट फ्लो होगी वी से दैट रेजिस्टेंस ऑफ वर्ड इज़ वन ओम ओके अब ओम का हमारे पास गीगा ओम मेगा ओम अगर हमें हायर वैल्यूज़ रेजिस्टेंस के दिखाने हैं तो हम गीगा मेगा किलो यूज़ करते हैं और अगर छोटे दिखाने हैं तो मिली माइक्रो इवन नैनो भी हम यूज़ करते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज कि हमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो किस रेंज में आ रहा है फाइन सो दिस इज़ रेजिस्टेंस होप आपको इतना समझ आ गया होगा नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं वोल्टेज भी कहते हैं तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे चाहे एग्जाम में वोल्टेज लिखा हो या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है वोल्टेज क्या होता है वोल्टेज इज़ द वर्क डन देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले बेसिक सा समझाती हूँ देखो हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं राइट आपने देखा होगा मैग्नेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेम पोल्स होता है वो रिपेल करता है राइट अगर मैं यहाँ पे भी और एक मैग्नेट लूँ इसका भी नॉर्थ लूँ तो ये जो दोनों नॉर्थ है एक दूसरे को रिपेल करेंगे राइट और अगर मैं अपोजिट रखूँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फाइन सो so, यही केस होता है चार्ज में भी चार्जस भी जो होते हैं जो लाइक चार्जेस होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगर मैं नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे रखूँ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे दैट मीन्स अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखूँ ओके okay, अगर वो सेम है वो रिपेल वो कुछ फोर्स ये कुछ फ़ोर्स इस पर एग्जर्ट करेगा ये कुछ फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगा जिसकी वजह से एक दूसरे को अलग धक्का देंगे फाइन अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव रखूं तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है फ़ाइन सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की राइट वोल्टेज जो होता है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक है वर्क डन कौन सा वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन एन इलेक्ट्रिक फ़ील्ड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी फोर्सेज अप्लाई हो रहे होते हैं ठीक है मैंने कहा अगर सेम है तो वो रिपेल कर रहे होंगे अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे सो so, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करते हो ओके okay? आप उसको एक्सेलरेट करते हो कि वो मूव करे या आप उसको मूव करवाते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ़ फ़ोर्स लगता है फ़ाइन कुछ अमाउंट ऑफ वर्क लगता है सॉरी वर्क मतलब जो कुछ अमाउंट ऑफ आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है जिसकी मदद से आप उसको वहाँ से मूव करवाते हो दैट फोर्स दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम दिस इज़ द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस फाइन अब मैं आपको थोड़ा सिंपली समझाती हूँ देखो क्या होता है हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज किसकी मदद से बना पाते हैं सर्किट में हम एक बैटरी लगाते हैं बैटरी में कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा आप बैटरी जो होती है हमारे पास मैंने अभी कहा जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं फ़ाइन तो हम क्या करते हैं हम इन्हीं बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हमने लाए और इनको एक बैटरी में बरतिया फ़ाइन तो उस बैटरी में क्या होगा प्रेशर होगा क्योंकि ये दोनों सॉरी दोनों नहीं बहुत सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। लेकिन हमने इनको ला के एक बैटरी में रख दिया है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं हम इनको एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं फाइन मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ सो दिस इज़ ये मानो एक बैटरी है यहाँ पर इसका पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड है इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस है ओके okay. उसके बाद मैंने इसको एक पाथ दिया जो ही मैंने इसको एक पाथ प्रोवाइड किया तो वहाँ से रश होगा इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो इज़ कॉल्ड द करंट राइट और यहाँ पे अगर मैंने इसमें एक बल्ब तो ये बल्ब फ्लो करेगा सॉरी सो पोटेंशियल डिफरेंस सो करंट जो है वो हमेशा फ़्लो करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है करंट्स का क्योंकि फ़्लो करवाना होता है अगर हम फॉर um, एग्ज़ाम्पल पानी पानी को कभी पानी हमेशा ऊंचाई से ऊंचाई की तरफ आता है नीचे से ऊपर तो नहीं जाता ना सो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा ही करंट के साथ भी होता है हाई करंट हमेशा ट्रैवल करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस ओके सो हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ओम्स स्ला से देखें ओम्स स्ला से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है आई इंटू आर करंट इंटू रेजिस्टेंस ओके ये एक फार्मूला है फ्रॉम ओम्स लॉ हम इसको और भी दूसरी फार्मूला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है एनर्जी बाई चार्ज ओके okay? कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है दिस इज द वर्क डन कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक चार्ज को मूव करवाने के लिए आपने कितना वर्क किया दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस ओके okay? अगर हम बोले कि वन वोल्ट कितना होता वोल्ट है वन वोल्टेज जब आपने एक जूल एनर्जी खर्च की टू मूव वन कूलम ऑफ चार्ज आपने एक कूलम ऑफ चार्ज जो है उसमें उसको मूव करने के लिए वन जूल ऑफ एनर्जी खर्च की तब हम कहते हैं वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर ओके सो एसआई यूनिट इसका वोल्ट है वी से रिप्रजेंट करता है इसका अगर हम बेस यूनिट देखें क्योंकि ये बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज वर्क डन हमारे पास होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब ओके ये वर्क डन की डायमेंशनल हम इसको बोल सकते हैं ये बेस यूनिट है और चार्ज का हमारे पास एम्पेयर होता है तो इससे बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के जी इज़ एम मीटर स्क्वायर दैट विल बी एल स्क्वायर सेकेंड क्यूब दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर में है तो एस रेज पोवर माइनस थ्री एंड एम पियर उसको हम आई करंट से दिखाते हैं या ए सी भी दिखा सकते हो रेज पोवर माइनस वन सो दिस बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा सो so, इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं अभी इसका सेकेंड पार्ट आएगा वीडियो का जिसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे देखो अभी तक हमने क्या देखा हमने इलेक्ट्रिक करंट देखी हमने रेजिस्टेंस देखी फाइन और हमने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज देखा राइट right? हमने ओम्स ला देखा जहाँ पे हमें करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन पता चला ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड राइट सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम एनर्जी देखेंगे पावर देखेंगे और उसके बाद इन सब के बीच का रिलेशन भी देखेंगे सो so, अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये आंसर प्लीज़ दीजिएगा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और ऑल ऑफ द एबो सेकेंड क्वेश्चन इज वाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं वोल्ट एम्पेयर कूलम और ओम थर्ड क्वेश्चन इज विच लेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट करंट इन एन इलेक्ट्रिकल ड्राइग्राम और फॉर्मूला जब भी हम इलेक्ट्रिकल ड्राइग्राम बनाते हैं या फॉर्मूला बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इज इट आई क्यू e, या आर यहाँ पे आर लिखा हुआ है ओके सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स ला ओम्स ला के मुताबिक करंट बराबर होता है वोल्टेज डिवाइड बाई वॉट ओके इज रेजिस्टेंस इंडक्टन्स कैपेसिटन्स और पॉवर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इफ़ यू हैव टोल्ट बैटरी सॉरी इफ़ यू हैव टोल्ट बैटरी प्लेस्ड एकरस ओम रजिस्टर वॉट वट विल द करंट बी सो न्यूमरिकल्स में पहले जो चीज़ें दी होती है वो लिख लिया करो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था सो so, आपके पास वोल्टेज ट्वेल्व वोल्ट बैटरी है आपके पास रजिस्टेंस दिया हुआ सिक्स ओम यू हैव टू फाइंड द करंट ओके सो आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा थैंक यू एवरी मच किसी भी डिटेल के लिए किसी डाउट के लिए किसी सजेशन के लिए ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एट द रेट ऑफ आस्क अंडरस्कोर अर्शी आप हमारी ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी ही गई है डेली क्विजिस के लिए सो थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर